भारतीय सैनिक अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनकी बहादुरी के एक से बढ़कर एक किस्से मशहूर हैं। उनका नाम सुनकर जहां दुश्मन कांपते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हर हिंदुस्तानी को उन पर गर्व होता है। जल्द ही भारतीय सेना को 332 जाबाज अफसर और मिलने जा रहे हैं। दरअसल 1 अक्टूबर 1932 को अस्तित्व में आने वाली IMA यानी कि भारतीय सैन्य अकादमी ने 10 जून को पासिंग आउट परेड का आयोजन रखा है, जिसमें देश और विदेश से 374 कैडेट पास आउट होंगे। इनमें भारत के 332 और 7 मित्र देशों के 42 कैडेट शामिल हैं। इस बार पासिंग आउट परेड पिछले बार से कुछ अलग होगी। इस बार पासिंग आउट परेड में घोड़ा बग्गी नहीं दिखेगी। दरअसल इससे पहले तक निरीक्षण अधिकारी 4 घोड़ों वाली बग्गी को परेड मैदान पर पहुंचाते थे, जो कि पटियाला के पूर्व महाराज ने 1969 में IMA को भेंट की थी। बता दें कि पिछले 91 वर्षों में अकादमी ने अपने प्रशिक्षण क्षमता को 40 से 1650 जेंटलमैन कैडेट तक बढ़ा दी है। अब तक 64,489 जेंटलमैन कैडेट अकादमी से पास आउट हुए हैं, जिसमें कि 36 मित्र देशों के 2,843 विदेशी कैडेट भी शामिल हैं। 10 जून को होने वाली भव्य पासिंग आउट परेड के लिए सेना के तमाम वरिष्ठ अधिकारी परेड देखने दून पहुंचेंगे, जिसको लेकर अकादमी प्रबंधन परेड की तैयारियों में जुट गया है। साथ ही पासिंग आउट परेड की जेंटलमैन कैडेट जमकर रिहर्सल कर रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।